दोस्तों आज हम अपने दर्शकों को भारतीय अभिनय जगत से जुड़े कुछ ऐसे ही कलाकार से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। बाल कलाकार के तौर पर इस अभिनेता ने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और आगे चलकर अपने एडल्ट करियर में कई सुपर हिट्स भी दिए। यही नहीं, उन्होंने अपनी कला को किसी भाषा या माध्यम का मोहताज नहीं बनने दिया। हिंदी सिनेमा जगत के अलावा मराठी फिल्मों में भी उनकी प्रतिभा देखी और स्वीकारी गई। और तो और बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी उन्हें दर्शकों ने काफी सराहा। आज का हमारा वीडियो चर्चित अभिनेता सचिन पिलगांवकर पर आधारित है जिन्हें हम उनके स्क्रीन के नेम सचिन के तौर पर जानते हैं। सचिन एक एक्टर होने के साथ साथ एक जाने माने निर्देशक भी हैं। इनका करियर करीब 60 साल पुराना है। सचिन के अलावा इनका पूरा परिवार भी फिल्म जगत का हिस्सा रहा है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए अभिनेता सचिन पिलगांवकर के करियर और पर्सनल लाइफ से जुड़े अनसुने और दिलचस्प किस्सों को करीब से। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। सचिन का जन्म गोवा के एक ब्राह्मण परिवार में 17 अगस्त 1957 को हुआ था। हालांकि इनके जन्म के वक्त इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो चुका था, इसीलिए सचिन की परवरिश मुंबई में ही हुई। बता दें कि इन्होंने महज 4 वर्ष की आयु में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा। छोटी सी उम्र में शुरू किए गए इस शानदार सफर में सचिन ने हिंदी, मराठी, भोजपुरी जैसी तमाम भाषाओं में खूब काम किया और कई उपलब्धियां भी हासिल की। बचपन में इनको माधव राव शिंदे की फिल्म सुनबाई ऑफर हुई थी, पर कुछ कारणों के चलते सचिन इस पिक्चर में काम नहीं कर पाए। इन्होंने बतौर बाल कलाकार मराठी फिल्म हामजा मार्ग एकला से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म को साल 1962 में रिलीज किया गया। हामजा मार्ग एकला सचिन के करियर के लिए किसी वरदान के समान रही। इस फिल्म के लिए सचिन ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। दोस्तों इस पुरस्कार को सचिन ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों से ग्रहण किया था। छोटी सी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले सचिन को मजली दीदी नामक हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। फिल्म मजली दीदी के बाद इनको बतौर बाल कलाकार ढेरों ऑफर्स मिले जिनमें मेला, ब्रह्मचारी, चंदा और बिजली आदि प्रमुख रहे। सचिन धीरे धीरे बॉलीवुड के चहेते चाइल्ड आर्टिस्ट में शामिल हो गए। आइए दोस्तों अब एक नजर सचिन के एडल्ट करियर पर दौड़ाते हैं। इन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में फिल्म गीत गाता चल में काम करके सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन ने किया था। फिल्म गीत गाता चल साल 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सचिन श्याम की भूमिका में थे और इनके ऑपोजिट अभिनेत्री सारिका को कास्ट किया गया था जिन्होंने राधा का रोल अदा किया था। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे जिसे आज के दौर में भी हम अक्सर गुनगुनाते हैं। इस फिल्म की सफलता ने सचिन की झोली में बालिका वधू, कॉलेज गर्ल और नदिया के पार जैसी हिट फिल्में डाल दी। दोस्तों यहां हम आपको बता दें कि सचिन पिलगांवकर की फिल्म नदिया के पार बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। गोविंद मुनिस द्वारा निर्देशित इस फिल्म की पटकथा, गाने, एक्टिंग सभी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म की रिलीज के बाद सचिन घर घर पहचाने जाने लगे थे। हालांकि बतौर लीड एक्टर इनका करियर कुछ ज्यादा लंबा नहीं रहा। उन्होंने त्रिशूल, शोले, सत्य पे सत्ता, अवतार जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब सचिन को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब एक्टिंग के करियर में उन्हें अब दिलचस्प रोल ऑफर नहीं हो रहे। इसके बाद उन्होंने स्वयं निर्देशन में उतरने का फैसला लिया। आगे चलकर उन्होंने कई मराठी फिल्मों का निर्देशन किया और फिल्म प्रोडक्शन में भी अपनी किस्मत आजमाई। टेलीविजन की दुनिया में सचिन को सफलता कॉमेडी सीरियल तू तू मैमे से मिली। तू तू मैमे का निर्देशन और निर्माण सचिन ने किया था। इस टीवी सीरियल में सचिन की पत्नी और अभिनेत्री सुप्रिया और दिग्गज अभिनेत्री रीमा लागू ने अभिनय किया था। इसके अलावा सचिन को टीवी पर शोहरत हिंदी शो चलती का नाम अंताक्षरी से भी मिली। इस शो में सचिन ने जबरदस्त होस्टिंग की थी। ये शो अपने वक्त का एक बेहद पॉपुलर म्यूजिकल शो रहा था। सचिन ने अपने डांसिंग स्किल्स की बदौलत साल 2006 में आए रियलिटी शो नच बलिए में भी जीत दर्ज की थी। इस शो में सचिन और उनकी पत्नी ने 9 सेलिब्रिटी कपल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था।
अब अभिनय और फिल्मों से जुड़े हुए सचिन पिलगांवकर को 60 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस सफर को रोचक और यादगार बनाया है। इन्होंने फिल्मी सफर के 50 साल पूरे होने पर अपनी ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज की थी, जिसका शीर्षक हच माजा मार्ग है। दोस्तों आइए अब नजर सचिन की पर्सनल लाइफ पर दौड़ाते हैं। इनके पिता का नाम शरद पिलगांवकर था, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। इनके पिता की तस्वीरें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। सचिन की मां का नाम भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। सचिन ने शादी अभिनेत्री सुप्रिया पिलगांवकर से की है। खास बात यह रही कि सचिन की मराठी फिल्म नवरी मिले नवरियाला में सुप्रिया को बतौर अभिनेत्री कास्ट किया गया था। फिल्म का निर्देशन सचिन ने स्वयं किया था। इस फिल्म के बाद सचिन सुप्रिया मराठी सिनेमा जगत के पसंदीदा जोड़ों में से एक बन गए थे। सचिन और सुप्रिया की एक बेटी है जिनका नाम श्रेया है। श्रेया भी अपने माता पिता की तरह ही अभिनय की दुनिया में सक्रिय है। श्रेया ने सचिन के टीवी शो तू तू मैमे में बतौर बाल कलाकार काम किया था। इसके बाद उन्होंने मराठी सिनेमा में भी कदम रखा। श्रेया पिलगांवकर की एंट्री हिंदी फिल्मों में साल 2016 में आई फिल्म फैन से हुई थी, जिसमें उन्होंने नेहा का किरदार निभाया था। सचिन इन दिनों अपने फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज सचिन अभिनय जगत के प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक हैं। उनकी प्रतिभा एक्टिंग, डायरेक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, एंकरिंग, राइटिंग यानी क्रिएटिविटी के हर क्षेत्र में देखने को मिली है। सचिन आज कैमरे के आगे और उसके पीछे दोनों जगहों पर काम कर रहे हैं। उन्हें रीजनल एवं मेनस्ट्रीम सिनेमा और टेलीविजन पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी 90 के दशक के अभिनेता सचिन पिलगांवकर की जीवनी। यहाँ हमने उनके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन से जुड़े किस्सों को करीब से जाना। उम्मीद है आपको वीडियो दिलचस्प लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।